कलर्स टीवी के डेयर डेविल शो खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की शूटिंग हो गई है शुरू, जहां एक्स कंटेस्टेंट्स यानी निया शर्मा, ऋत्विक धनजानी, करण वाही, करण पटेल, हर्ष लिम्बाचिया, जैस्मिन भासिन, एलिगोनी कर रहे हैं खतरों का सामना। इस शो की शूटिंग हो गई है मुंबई में शुरू। वहीं शो के पहले दो एपिसोड्स को होस्ट करती नजर आएंगी फारा खान। अपने खतरों के खिलाड़ी को फराह ने किया शेयर। एक इंटरव्यू में फराह ने कहा कि वो ऐसी पहली होस्ट होंगी जिसे लग रहा था काफी ज्यादा डर। फराह ने ये भी कहा कि चैनल ने उन्हें पहले से ही कह दिया था कि वो किसी भी कंटेस्टेंट्स के लिए हमदर्दी नहीं जताएगी, उनके साथ भी नहीं जिन्हें वो पहले से जानती है, और किसी भी कंटेस्टेंट से ये नहीं कहेगी कि वो स्टंट अबॉर्ट कर सकते हैं अगर उन्हें काफी ज्यादा दर्द में हो। फराह ने ये भी कहा कि वो एकलौती विमेन डायरेक्टर है जिनके फिल्मों में काफी ज्यादा स्टंट और एक्शन होते हैं। वो शो करने के लिए रेडी थी जब रोहित शेट्टी ने उन्हें शो करने के लिए पूछा। फराह ने ये भी कहा कि वो रोहित की तरह कंटेस्टेंट्स को दिए गए स्टंट तो परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन वो फनी होस्ट रही जिसने सबके स्पिरिट को हाई रखा। फराह ने कर ली है शो की शूटिंग पूरी और अब 10 दिनों के लिए कर दिया है खुद को आइसोलेट। फराह ने कहा कि उन्होंने अपने पति शिरीष को कर दिया है बेडरूम से बाहर, और ये भी कहा कि शायद उनको आ रहा है काफी मजा। आपको बता दें, खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया 1 अगस्त से ऑन एयर होगा सैटरडे और संडे रात को 9 बजे। इसी के साथ कुछ स्टंट्स की भी झलक सामने आई है, जहां बारिश में निया ऊंचाई पर चढ़कर कर रही है कार का स्टंट। लगता है खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया के स्टंट्स होंगे काफी धमाकेदार, और फराह खान की मस्ती लगाएगी शो में 4 चांद। आप कितने एक्साइटेड है खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया को देखने के लिए, हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।